अखिलेश यादव से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए, वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। अब यहां तक नौबत क्यों आई? नौबत इसीलिए आई क्योंकि अखिलेश यादव ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि बीजेपी की अपनी ही सरकार को ये जो योजना है वो पसंद नहीं आ रही है, इसलिए जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर अग्निवीरों को आरक्षण के बाबत फैसले किए जा रहे हैं, निर्णय किए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जब इस पर उनसे सवाल पूछा, अपनी बात रखी, तो अखिलेश यादव ने उन पर भी मंत्री पद न मिलने का तंज कस दिया। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रही हूँ, आप ये